हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनएसपी लर्निंग हब, बिकॉज़ लर्निंग इज लाइफ। एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। इन ह्यूमंस द एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय एरोबिक रेस्पिरेशन, बट समटाइम्स एनएरोबिक रेस्पिरेशन अकर इन मसल्स ड्यूरिंग विग्रस एक्सरसाइज व्हेन ऑक्सीजन गेट कंज्यूम्ड एट फास्टर रेट देन इट्स सप्लाई बाय द ब्लड। इटमीन्स जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन होने लग जाता है, अगर हम कंटिन्यूस एक्सरसाइज करते रहे तो। ऐसा इसलिए होता है कि हमारी बॉडी के सभी सेल्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि हम ब्रेथिंग हमारी तेज हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन हमारे डिफरेंट पार्ट्स तक नहीं पहुंच पाती है और वहां पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है। ड्यूरिंग द एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन द मसल्स द ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इंटू लैक्टिक एसिड विद द रिलीज ऑफ 2 ATP मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी। फर्स्ट स्टेप वही ग्लूकोज पाइरूविक एसिड में चेंज होता है, इस प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। इसमें भी एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का 2 मॉलिक्यूल पाइरूविक एसिड में चेंज होते हैं और 2 ही मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड बनता है इसमें, और 2 ATP एनर्जी रिलीज होती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द मसल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी।